लुधियाना पुलिस द्वारा 6 मेंबरों के ऐसे गिरोह को काबू करने में सफलता हासिल की गई है जो कि शहर में लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। इस संबंधी जानकारी देते हुए एसीपी क्राइम जसविंदर सिंह ने बताया कि शहर के अलग अलग हिस्सों में काबू किए गए गिरोहों द्वारा लूट की वारदातों को अंजाम दिया जाता था। उन्होंने बताया कि आरोपियों से तेज धार हथियार, पिस्तौल, जिंदा कारतूस व 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल काबू किए गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जी इंस्पेक्टर राजन परमिंदर सिंह इंचार्ज सीआई 1 दी रहनुमाई हेठ सब इंस्पेक्टर हरभजन सिंह ने आरती स्टील चौंक फोकल पॉइंट दे एरिया विच नाकाबंदी की हुई सी। नाकाबंदी के दौरान उत्थे इन्हां नूं खुफिया इतलाह मिली कि 5-6 बंदे जिहड़े हैगे है ये कोई वारदात करन दी फराक च बैठे है, जिहदे आधार दे उत्ते सब इंस्पेक्टर हरभजन सिंह ने ये 6 बंदयां नूं जिहड़ा काबू किया। इन्हां दे कोलों 2 पिस्तौल, 2 दात, 1 छुरा और 3 मोटरसाइकिल जिहड़े इन्हां कोलों बरामद किए गए हैं। जिहड़े ये पहलां भी जिहड़े कई वारदातों विच इह इन्हां दे घट्टो घट 7-8 मुकदमे दर्ज है। नहीं पढ़े लिखे नहीं जी, वारदातें ही करते। एक सचिन मोनी गैंग हैगा, ये गैंग के मैंबर है, इन्हां कोलों काफ़ी होर भी रिकवरी होने की संभावना। कोई पीओ भी है जी? नहीं, कोर्ट चो कह रहे चले आ रहे जी जनवरी तो।